लॉकडाउन में आखिर कहां से आ रही है शराब, कब जागेंगे आबकारी के कुंभकर्णीय अधिकारी। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां संजीवनी नगर थाने की DI भुवनेश्वरी चौहान को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर MP20HA4959 है, जो कटनी रोड से अंधमुख बाईपास की तरफ आ रही है, जिसमे अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखी है। सूचना पर तत्काल बाईपास स्थित दिलकुश ढाबा के पास नाकाबंदी कर कटनी की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो को दबोचने की पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन इससे पहले कि आरोपियों को दबोच पाते, उसके पहले ही स्कॉर्पियो चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर 27 पेटी एवं 8 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 2185 पाव देसी शराब कीमती लगभग 2 लाख रुपए की मिली, जिसे मैं स्कॉर्पियो के जब्त करते हुए चालक के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चालक के संबंध में पतासाजी की जा रही है। पुलिस के अनुसार चालक के पकड़े जाने पर ही पता चल सकेगा कि शराब किसकी है और कहां से लाकर कहां ले जाई जा रही थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है और देसी हो या विदेशी सभी शराब दुकानें इस लॉकडाउन के चलते बंद हैं, तो फिर ये तस्कर न जाने कहां से अवैध शराब ला रहे हैं और हमारी आबकारी पुलिस की नाक के नीचे ये शराब तस्करी का खेल चल रहा है। यूं तो आबकारी के मुताबिक सभी दुकानें और वेयर हाउस सील कर दिए गए हैं, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से आ रही है। फिलहाल देखते हैं कि आखिर कब तक आबकारी के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे। आज हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत हमको सूचना मिलती है कि एक गाड़ी से शराब परिवहन की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर जब मौके पर गया जाता है कि बाईपास से जो सूचना मिली थी कि बाईपास से गुजर रही है, मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुँच गया था। स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही थी, उसका पीछा किया, वो कटनी से अनुभव बाईपास तरफ आ रही थी, तो पीछा करने पर पुलिस की गाड़ी देखते, चूँकि वो तो भाग गया गाड़ी चलाने वाला, और गाड़ी की जबकि तलाशी ली गई तो उसमें 44 पेटी अवैध शराब पाई गई, जिसको जब्त करके उक्त वाहन को भी जब्त किया गया है और आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थोड़ा माना जा रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू जो है, तो फिर भी शराब के तस्कर शराब लेके आ रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, कुछ ऐसी जानकारी लगी है आबकारी के विभाग? ये अभी विवेचना में है, क्योंकि हमको सूचना मिली थी और हमारी सूचना काफ़ी सफल भी रही है, हमको सामग्री मिली है, वाहन मिला है, वाहन से हम उस मौके तक पहुँचाएंगे। अभी विवेचना अंतर्गत हम आरोपी तक पहुँचाएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो पेज न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770222999